फेस टू ऑल द डिवाइन सोल्स, आप सबका स्वागत है. लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द ग्रैंड अनवीलिंग एट द ग्रैंड लॉन्च ऑफ कैमरा बॉस. ऑल द मॉडल्स, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड वी हैव ऑल द रॉक स्टार्स हियर. लेट मी टेल यू, राधा कृष्ण की बात हो रही है बिकॉज दिस इज देयर सीजन. तो हमारी राधा है अंजलि जी. हे अंजलि, हाउ आर यू फीलिंग? टुडे वी आर अनवीलिंग कैमरा बॉस. और जो भी हमारे लाइव परफॉर्मर्स हैं, वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू ये कौन सा प्लेटफॉर्म पर हम अपना लॉन्च करें. सो नाउ देयर इज ओनली वन नेम, कैमरा बॉस. सो आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप सब हमारा साथ देने यहाँ पर हमारे साथ आए हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू एवरीवन हुज प्रेजेंट हियर. एंड आइए शुरुआत में, एज वी ऑलवेज से, इट्स टाइम फॉर अस टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी. We have with us absolutely the music minds, जो हमारा दिल जीतने आ रहे हैं. Towards the beginning, we're going to truly pray as we always believe in the auspicious feeling of praying and taking blessings, seeking our blessings from Lord Ganesha. We have Parth here, who's also going to really play some music. But before that, let us please take a look at the audio visual as we all seek blessings of Lord Ganesha. हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और अभिलाष अवस्थी सर का. सर आपको मंच पर बुलाना चाहती हूँ. थैंक यू. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सुनील पाल जी और सुनी जी को ये भेंट करूँ तो कृपया मंच पे आ जाएं. हाँ जी सर, वो थोड़ा सा पी कर आएंगे. पी के आएंगे ना सर, दो मिनट के बाद तक हम बात करते हैं सर. हाँ, मेरा सॉन्ग याद आ जाता है मुझे. थैंक यू. आज ये कैमरा बॉस, हम लोग तो मीडिया के आदमी हैं. हम लोग तो उस समय से 85 से मीडिया में, जब फैक्स भी नहीं होता था, जब कोरियर से हम लोग घर में लेख मंगाते थे. कोरियर भी बाद में आया, डाक से आते थे. तो अब जब हम आते हैं, हाँ, और जब हम आते हैं, देखते हैं बढ़ते हुए मीडिया के काल को, और अब तो व्हाट्सएप से लेकर और ईमेल सारी चीज़ों से आर्टिकल आने लगे, तो चीज़ें सरल होने लगी. तो हम भोजपत्रों में लिखते लिखते आज यूट्यूब तक आए हैं. यही हमारे संचार माध्यमों की विशेषता है. और मैं सबसे पहले तो सुमित तिवारी के माता जी और पिताजी हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ, और अंजलि को भी, और दूसरा सुनील पाल जैसे दिग्गज लोग जहाँ हों, वो मंच बड़ा महान हो जाता है. ये भाषण का समय नहीं, आकृति है यहाँ, आकृति का भी अभिनंदन करता हूँ. और मैं बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ यूट्यूब चैनल के लिए. इस यूट्यूब चैनल के लिए मैं निःशुल्क हर वक्त उपलब्ध इसलिए भी रहूँगा क्योंकि मैं बगल में ही रहता हूँ. और कभी भी सुमित और दूसरे, तुम्हारा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं. और चौहान साहब जैसा डायरेक्टर जिन्हें, सतेंद्र चौहान जैसा डायरेक्टर मिला हो, जो कि अपने तरीके से, मैंने उनको देखा, मेरे बॉस थे डॉक्टर धर्मेंद्र भारती, ऐसे लोगों का अंधा युग नाटक उन्होंने प्ले किया. ललित कला में उन्होंने बहुत बड़े काम किए. दिख नहीं रहे मुझे कहीं, यहाँ पर है सत्येंद्र चौहान जी. बिल्कुल व्हाइट टी शर्ट में है, तो बिल्कुल मिस हो गए आज. बिल्कुल यंग लग रहे हैं, बिल्कुल यंग, न्यू किड इन द ब्लॉक. इसीलिए आपने टी शर्ट नहीं दी कि मैं भी यंग लग रहा हूं. हां, टी शर्ट में बिल्कुल आप पहचान में नहीं आ रहे. परंतु मैं चाहूंगा आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं. मेरी तमाम ब्लेसिंग, तमाम आशीर्वाद, शुभकामनाएं हैं कैमरा बॉस की टीम. सर दैट्स रियली काइंड ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया. और आप जो बुक पेश करना चाह रहे थे, बिल्कुल हम सुनील पाल जी को मंच बुलाना चाहेंगे. सुनील पाल जी प्लीज आ जाइए और इसको आप सुमित जी आ रहे हैं, दो मिनट. आपके आप जो है ना, पहले ये बताइए यहाँ पर सबको कि आप कब तक जवान लगते रहे. जब तक जवान रहूंगा तब तक जवान दिखूंगा, और जब तक आप जैसे नौजवानों के सानिध्य में रहूंगा तब तक नौजवान रहूंगा. मैंने और सिमरन ने कसम खाई है, हम एवरग्रीन रहेंगे. एंड व्हाइट टी-शर्ट, सर इन्होंने भी व्हाइट टी-शर्ट पहनी है कैमरा बॉस की. हम तो अपने अपने कपड़े पहन कर आए थे, लेकिन खासियत ये है कैमरा बॉस की,
कि वो अपने शूटिंग पे कपड़ा भी इन्हीं का देते हैं, भोजन भी इन्हीं का देते हैं, कन्वेंस भी इन्हीं का देते हैं, गाड़ी भी भिजवाते हैं आने जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा प्यारा प्रोडक्शन अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। ये पहली बार ऐसा प्रोडक्शन बना है। कैमरा बाज के लिए जोरदार ताली। और यहाँ हमारे गुरु बिरबल जी मौजूद हैं। बिरबल जी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो एक अकबर के बिरबल थे, ये हमारे आज के बिरबल है। वो अकलमंद थे, ये अकलबद है। इनकी कॉमेडी टाइप में देखकर हंसी आती है हमको और अच्छा लगता है। तो जब भी मैं बिरबल जी के साथ कहीं खाने पीने जाता हूँ, मैं इनसे कहता हूँ बिरबल बिलभर। हमारी फिल्म भावना को समझो में ये बहुत अच्छा रोल किया था, फिर बिग बॉस में किया था, फिर मनी बैग गारंटी में किया था, बहुत सारी फिल्मों में काम किया। अभी पहली सी बच्ची गाना गा रही थी, हमको मिली है घड़िया नसीब से, चेक करके देखा वो सारी घड़िया बंद है। आकृति जी बराबर छोड़िए ना, मेरे इससे क्या होगा, चलो मैं अंदर हूँ, परसों तक पहुँच जाऊंगा। शकुंतला स्टूडियो के करता धरता हमारे राजीव जी, जिनकी वजह से हम शैलित सुमित से मिल पाए। सुमित के जोरदार तालियां। ये बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत अच्छी सोची है, और अच्छी सोची ये कि लोगों को हंसाने की सोची, माता पिता का आशीर्वाद दे कि लोगों को हंसाने की सोची है। आज के जमाने में रुलाने वालों की कमी नहीं है, हर बंदा रुला रहा है, पॉलिटिशियन रुला रहा है, पुलिस वाले रुला रहे हैं, पब्लिक रुला रही है, प्रेस रुला रही है, एक ही बंदा हंसा रहा है, वो है सुमित। और सुमित क्यों हंसा रहा है, क्योंकि वो ऐसा उम्मीद है जो सु है, सुंदर उम्मीद, अच्छा उम्मीद आदमी को हंसाता है। और साथ में जो भाभी साथ दे रही है उनका ग्रैंड सैल्यूट। आप जहाँ भी आइए स्टेज पे आ जाइए। और डायरेक्टर साहब जो हमारे खूबसूरत यंग हैंडसम डैशिंग और बहुत ही फास्ट काम करते हैं, मतलब हमने परसों शूट चार दिन पहले शूट किया, आप यकीन नहीं करेंगे सिमरन, 10-10 मिनट के गैग इन्होंने 18 गैग शूट करवाए सिर्फ 5 घंटे में। यहाँ जितने भी प्रोड्यूसर हैं अपना पैसा बचाना चाहते हैं और फास्ट काम करना चाहते हैं तो इनको साइन कीजिए, ये बहुत ही जबरदस्त और फास्ट डायरेक्टर है। फास्ट ऐसे कि मतलब खाना पीना भी भूल जाते, इतने फास्ट है। तो आइए मैं अभिलाष जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि अभिलाष जी ने कोरोना पर एक किताब लिखी। हमने कोरोना पर फिल्म बनाई थी लॉकडाउन टू अनलॉक, जो शिमारू में पर स्ट्रीमिंग हो रही है शिमारू में पर, और उसकी अधिक जानकारी सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब पर जानकारी तैयार है। लेकिन पीपल पर घोंसले नहीं होते, ऐसे अभिलाष अवस्थी जी की किताब आकृति जाएगी प्लीज, भाभी जी को जोरदार तालियां। कोरोना पर दुनिया की पहली उपन्यास है एक डॉक्टर लड़की की प्रेम कथा है। कोरोना पे तो सोशल डिस्टेंस चाहिए थी, यहाँ प्रेम कथा, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी कमाल होगी। ये इसका सेकंड एडिशन आया है और ये काफी हिट हो गया अमेजॉन में, तो मैंने ये अवसर समझा कि मैं सुमित को और सुनील पाल जी आकृति ने उनके हाथों में एक गिफ्ट सौंपा। वाह, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। अच्छा प्लीज आपसे भी हम गुजारिश करना चाहेंगे। ओके श्योर श्योर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा बाज का फंक्शन तो कैमरे को रोको मत, इतने कैमरे वाले आज सब हीरो जोरदार ताली कैमरा वाले। और ये कितने हम वैसे भी कैमरा बाज है, बाज नहीं आने वाला। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभिलाष जी के लिए जोरदार तालियां इसलिए भी क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत उस महान हस्ती के हाथ से हो रही है जिन्होंने गाना लिखा था। तो वो गाना नहीं, भजन है, और पूरे मंदिरों में हर दिन स्कूलों में तो रोजाना गाया जाता है। हाँ तो आने दीजिए, आपके नीचे जाने से कुछ नहीं होगा, आपको ऊपर ही रहना है। जोरदार तालियां अभिलाष जी के लिए। एंड अब हम कार्यक्रम की शुरुआत की तरफ अग्रसर है। हमारे स्पेशल गेस्ट आने वाले, सभी गेस्ट आने वाले, आगे की कार्रवाई इससे पहले कि सिमरन कहे एक शेर और कर देना चाहता हूँ। अब सिमरन जो है मुझे देख के कैसे कैसे शेर बोलती है, कैसे कैसे शेर बोलती है, टी शर्ट नहीं बोला है। अब सिमरन मुझे देख के कैसे कैसे, अभी सिमरन मुझे कह रही है
कि सुनील तुझे देख के दिल कह रहा है यू मेरा बाबा, सुनील तुझे देख कर दिल कह रहा है यू मेरा लख लानत फिटे मुंह तेरा। ये लड़की नहीं देश का गहना है बाबा, ये लड़की नहीं देश का गहना है, जो वावा ना बोले उसकी बहना है, सारी उम्र उसके साथ रहना है संग रहना है। और एक शेर और अर्ज कर देता हूँ कि अच्छा पहले से ना बड़ा आइए 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 राजेश जी का जोरदार तालिया। मित्रे जी हमारे लिए वेटरन कलाकार मित्रे जी राजेश जी, बस दो दो लाइनें और बोलकर मैं माइक दे देता हूँ। राजेश जी का राजेश जी के चार लाइनें बोलो। अब मैं गुरु का हुकुम टाल नहीं सकता, मैं दो मेरी बात टाल गुरु ने बोल दिया, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे हाथ में कोई माइक मत दो, छीनना मुश्किल रहता है। हाँ जी, तो राजेश जी का मैंने इतना खून पिया है कि आज तक उनके कपड़े लाल है, आप सबके सब मुझे लगता है ड्रग से जुड़े हुए हैं। मतलब नशा छोड़ो बॉलीवुड, एनसीबी नशा छोड़ो बॉलीवुड, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सिमरन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका काम जो है जिस तरह से जिस बढ़िया तरीके से हमें करने का मौका मिला, और शॉर्ट पीरियड में 3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई, शूट भी हुआ, बहुत अच्छा सेट लगा इन्होंने शकुंतला स्टूडियो में, और फटाफट काम किया। मेरे साथ अमोल भी था, कीर्ति भी था, और भी कलाकार हम जुड़ने वाले साथ में, और अभी सिलसिला शुरू होने वाला है। सुमित ने सुमित और हम सब मिल कर ये किस चीज़ को आगे बढ़ाने का सपोर्ट एक दूसरे के साथ में चलेंगे, मिल के चलेंगे। और नाम बहुत अच्छा इन्होंने रखा कैमरा बाज, कैमरा बाज के तहत मतलब ये होने वाला है कि कैमरा जिस अच्छी चीज़ को जिस चीज़ को कैप्चर कर सकता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर आगे लाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो पूरी कैमरा बस की टीम को, सुमित को, अंजलि जी को और तमाम कलाकारों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं और इनॉग्रेशन करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक एक सस्पेंस जो है बताए। I would rather like to say once a superstar, always a superstar. Beautiful, only 4 decades of experience. Wow. How does it feel here at the grand unveiling of Camera Baz? मैंने जिंदगी का पहला कैमरा बाज को मुझे याद आया कि मेरे जीवन का पहला कैमरा बाज यही है। मैंने अपने जीवन का पहला धमाल नंबर 1 दिल्ली मेट्रो पे शो आता था, आकाश जैन जी उसके डायरेक्टर थे, नेशनल मिरर, और धमाल नंबर 1 का पहला कैमरा मैंने सर के साथ फेस किया और हमेशा एक आशीर्वाद। और मेरी डेब्यू मूवी जिंदगी तुमसे इज आल्सो विद राजेश पुरी सर, सच एन ऑनर। It is always a pleasure to be with such humble youth, you know, I would call you youth, because क्या होता है कि हमने अब टेलीविजन तो हमसे शुरू हुआ है, इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं। हम लोग जो तकरीबन 38 years back टेलीविजन जो नेशनल नेटवर्क पे पहला डेली सोप या सोप कह सकते हैं, जो पहला नेटवर्क पे सीरियल आया था, दैट वाज कॉल्ड हम लोग, जिसमें मैंने लल्लू का रोल किया था। जोरदार तालियां, बड़ा फेमस हुआ था। और उसके बाद बुनियाद जिसमें मैंने मुंशी किया। तो कहने का मतलब ये है कि टेलीविजन जब हमसे ही स्टार्ट हुआ है तो राह में तो फिर ऐसे ऐसे टैलेंट मिलेंगे ना भाई। तो इनके लिए मैं खुद तालियां बजवाना चाहता हूँ दोनों के लिए। थैंक यू वेरी मच, बिकॉज इतने हम्बल बच्चे हैं दोनों, और मैंने इस चीज को एहसास किया है कि मैं तो जितनी भी उम्र है मेरी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन अब जो जी रहा हूँ या जो काम कर रहा हूँ इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये जो इतना हौसला देते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, इतना मुझे पुश करते हैं, तो लगता है कि नहीं अभी और काम करना बाकी है। क्यों बीरबल साहब, क्या कहते हो? और ये हमारे वेटरन बीरबल साहब, क्या बात है सर, गॉड ब्लेस यू सर, लंबी उम्र दे। 85 years कैमरा बाज और मोहित सुमित और इनके साथ मिलके अंजलि नाम मेरे लिए वैसे बहुत लकी है, मेरी सिस्टर का नाम भी अंजलि है, और जब भी घर आती है तो कुछ ना कुछ अच्छी खबर आती है। That's a sign. So anyway,
मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ दे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि इतनी उम्र में इतना तो एहसास हो गया है कि जब किसी को देखता हूँ तो दो मिनट में पता चल जाता है कि इस गिलास में कितना पानी है। तो जब इनको देखा और जैसे ही मिला तो मुझे लगा नहीं, दम तो बहुत है भाई। वाह क्या बात। फ्रेंकली स्पीकिंग में थोड़ा सा स्केप्टिकल था, मुझे लगा कि मैं आ तो रहा हूँ लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ सिर्फ फंक्शन होते हैं और काम जरा थोड़ा ऐसे वाला ही होता है। लेकिन अब इनको देखने के बाद और जो पूरा इन्होंने यहाँ इंतजाम किया है और जिस तरह से ये मिले हैं और इनको इनकी पर्सनैलिटी, और अंजलि जी को भी अभी मिला था मैं, उससे पूरा विश्वास है कि ये बहुत शिद्दत से काम करने वाले हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। जैसे इन्होंने पूरा अपना ऑर्केस्ट्रा भी देखा हूँ सामने, पूरा सबकी टी शर्ट्स ये वो, सो डिटेलिंग तो है भाई। सो विश यू ऑल द बेस्ट, आई थिंक यू विल रॉक अ लॉट। एक बात बोलना चाहूंगा, हमारे मिथिलेश सर के बिना ये स्टेज अधूरा लग रहा है, सो प्लीज सर, मिथिलेश चतुर्वेदी सर। हाँ इधर देखिए, ऑल ऑफ यू दिस वे सर, सर सुमित सर, सुमित थैंक यू, सामने देखिए सामने आइए सर। Birbal sir, it's always always a great feeling to have you around us. आपके blessings. Everyone in the Bollywood community talks about the blessings of the one and only, ladies and gentlemen. Can you please give up for Birbal sir? Come on, everyone. Wow. Mithilesh sir, हम आपसे request करना चाहेंगे for a few words. Can I hold the bouquet for you? एक मिनट पहले photo ले रहे थे. Sure sir. चलो हट. सामने देखिए sir, सामने देखिए एक मिनट. Visual के लिए. Mic. ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं है, मेरा कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है जिसकी वजह से मुझको यहाँ पर खड़ा किया जाए, लेकिन फिर भी ये आप लोगों की ज़रा नवाजी है जो आप इस जर्रे को आफ्ताब बना रहे हैं। मैं कैमराबाज की तरफ से और अपनी तरफ से कैमराबाज को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आयाम स्थापित करेंगे और एक बुलंदियों तक पहुंचेंगे। शुक्रिया। इस माफ थी और ये नहीं मालूम था कि इस फिल्म इंडस्ट्री की सरकारी भाषा अंग्रेजी है। नहीं सर, हिंदी और हिंदी रहेगी हमेशा सर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मिथिलेश जी के बारे में जितना कुछ सुना है सब सच सुना है, क्योंकि इनके नाम ही है मिथिलेश। मेरे में मिथ ज्यादा है और लेस हूं मैं मिथ से, तो ना मिथ है और हिंदी में कहें तो मिथ से भरे हुए मिथ लेस मिथ लेस। लेकिन अभी हमने सर के साथ एक फिल्म शूटिंग की गणेश आचार्य जी की देहाती डिस्को, और मेरा सौभाग्य कि इत्तेफाक से हम दोनों को एक ही रूम एक ही वैरायटी वन मिली थी, और उसमें इनके साथ में इतने सारे एक्सपीरियंस सुनने मिले, देखने मिले, सीखने मिले। जोरदार तालियां मिथिलेश जी के लिए। ये कह रहे हैं कि इनका कोई अचीवमेंट नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि इनसे जितना सीखा जाए इंडस्ट्री को उतना कम। फिर आप जर्रे को आफ्ताब बना रहे हैं सर, आफ्ताब ने मैं आपको अमिताभ बनाना चाहता हूँ। हाँ, और हमारे गुरु हमारे उस्ताद द वन एंड ओनली एंड वन एंड लोनली कॉमेडी के इंडस्ट्री अगर अकबर है तो उस अकबर की ये बिरबल है। तो
आप ही को देखकर मैंने जो दुकानदारी शुरू की है। एक मैं फार्मूला आप सबको बताना चाहता हूँ जो मैंने देवानंद साहब से सीखा था। वाह, हाउ टू बी यंग ऑलवेज। ओके, मैं उनके साथ शूटिंग कर रहा था फिल्म की लूट मार। अच्छा, तो शूटिंग की जब बैकअप हुआ तो देव साहब बोले वीर बार टॉक एंड सम टॉक। अब मैं देव साहब के साथ चल तो पड़ा, वो चल रहे थे, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा। थोड़ी देर के बाद मैं थक गया, मैं क्या देव साहब मेरे से और नहीं चला जाता। कहता कम ऑन यू आर यंग बॉय। मैंने कहा यंग बॉय को आप है, मैं तो ओल्ड बॉय हूँ। कहता नेवर से यू आर ओल्ड, you are as old as you feel, try to live in the company of beautiful girls, you will never be old. ये फार्मूला जो उन्होंने मुझे सिखाया तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुमन जैसी खूबसूरत लड़कियों के साथ खड़ा रहूँ। So kind, मैं जरूर आपके साथ ही रहूँगी। I want that. Ladies and gentlemen, अभी देव साहब और मैंने दोनों एक चट्टान पर बैठ गए। चट्टान पर बैठ गए तो मुझे पता चला कि मेरी तरह वो किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन हैं। तो उन्होंने मुझे एक गाना सुनाया, मैं चाहता हूँ कि याद भी वो गाना आप लोगों को भी सुना दूँ। जी म्यूजिशियन बिल जी, नहीं वो आई म्यूजिक यहाँ आ जाएगा, म्यूजिक बजाइए ना आ जाएगा। जैसा बोले बीरबल आई लाइक ऑल हिज सॉन्ग्स बट वन सॉन्ग आई लाइक वेरी मच। मैंने कहा कौन सा जैसा? ख्वाब हो तुम हकीकत, कौन हो तुम बदलाओ, देश कितनी दूर खड़ी हो और कहीं बाहर आओ। तो मैंने कहा तरन्नुम में सुनाइए। तो उन्होंने तरन्नुम में सुनाया तो मैं सुनकर दंग रह गया कि वो इतना अच्छा गाते भी हैं। उसी गाने की चंद लाइनें मैं आप लोग सुना देता हूँ। वाह, ये क्या बात है। Shri Narendra Modi ji, thank you so much.
something that every performer looks forward to. जब से हम पैदा हुए हैं ना, हम सब सपना देखते हैं कहीं ना कहीं to be a star, to be a performer, to be the one who's gonna be the recipient of applauses. उन तालियों की गुंजाइश में वो जो नशा है, जो natural नशा है, सबको high रखता है. And उन सब performers को, उन सब audiences को एक platform दे रहे हैं. The one and only our founders, may we please put our hands together for Sumit Tiwari and Anjali Srivastava. Big congratulations to our very young and dynamic producers, become founders, and our own. सबको दिल से नमस्ते कहती हूँ. ईशर और सुमित जी यहाँ पे मेरे बाजू में बैठे हैं, आप खड़े रहिए, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए. झारखंड में नगर सेवक है और हमारे मुंबई में और मेरे इलाके में वर्सोवा में यहाँ पे कैमरा बंस राइट ये चैनल शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब. बहुत अच्छी कोशिश है और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे उन जो हमारे आर्टिस्ट है उनको एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है. एक अच्छी शुरुआत है. मैं चाहती हूँ कि इसको शुभेच्छा तो देती हूँ लेकिन मैं हर तरीके से आपको सपोर्ट भी करूँगी. थैंक यू सो मच. आपको मेरी तरफ से यहाँ के मेरे साथ जो दो नगर सेवक आए हैं योगिराज दाभाड़कर और रंजना ताई पाटिल ये भी आपके साथ में है. एक अच्छा काम आपसे हो रहा है. आप दोनों को हस्बैंड और वाइफ दोनों को शुभेच्छा देती हूँ. धन्यवाद. हाँ जी मैम प्लीज आ जाइए. सत्येंद्र जी प्लीज आ जाइए सर फॉर अ फॉलो अप. ऋषभ जी प्लीज हमारे डीओपी आप भी आ जाइए. कम कम प्लीज कम. एंड माय साथ बिरबल सर है. यू कैन सिट एंड ऑन दैट साइड वेयर द चेयर इज अंजलि जी. ओके चेयर के पीछे चेयर हटा दो थोड़ी देर. नहीं मिलेगा सोनू जी. नहीं नहीं वो खड़े खड़े रहेंगे. वो हटाओ तो एक उनके लिए रखिए चेयर. एक रखो का सही मौका नहीं मिलता सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो
कैमरा पास करता हूँ, बहुत ही अच्छी शुरुआत है, बहुत ही पॉजिटिव व्यूज आ रहे हैं, तो कॉमेडी होने के नाते बहुत अच्छी लग रही है। ये गलती है, हमने जो दो तीन साल मेरी बैटरी जाने साल कुछ नाश्ता क्योंकि बाहर चले हैं, तकलीफें झेली हैं, दर्द देखा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे पास कॉमेडी की ऐसी जगह की ऐसी चीज़ें पहुँचेगी कि आप अकेले में जहाँ पर भी हो गए परिवार का कोई समझ सकते हो, चाहे मोबाइल पर और यूट्यूब पर, खासकर इसकी खासियत ये है कि साफ सुथरा घर पर परिवार एक साथ ही देख सकता है। और अगर कोई आप अकेले बैठे हो, एयरपोर्ट पे, बस स्टॉप पे कहीं सफ़र कर रहे हैं तो कहीं भी देख सकते हैं, हमारे गुरु जी मौजूद है, सबको मैं बहुत एक्साइटेड हम लोग, बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और जिसको मैं समझता हूँ कि जो हमारे कंटेंट में बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगी आलिया, जो नहीं बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगा विजय मालिया। तो मुझे क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? बताइए कि कैमरा पास एग्जैक्टली है क्या? मैं टेबल आगे कर दे, थोड़ा टेबल आगे, थोड़ा अरे भाई क्या कर रहे हो? अच्छा लगा, ये नाम बहुत अच्छा लगता है, कैमरा बाज, चाल बाज, राम बाज, ये सब सुने कैमरा बाज पहली बार, ये नाम बहुत प्यारा है। इससे कहाँ जा रहे हैं लोग इस चैनल को? बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, थोड़ी होगा सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, कंटेंट जो यहाँ मिलने वाला है मुझे लगता है सबसे डिफरेंट मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दोस्त जितेंद्र जी कुछ ऐसा नया कंटेंट लेके आएंगे, और मेरी विश है सुमित जी के लिए, सत्येंद्र जी के लिए, ये चैनल दिन दूनी रात चौबनी तरह पहले तो मैं प्रीमियर जी के लिए बोलना चाहूँगा कि जिंदगी में ना तो हंसना मुश्किल काम है ना ही रोना मुश्किल काम है, कि जिंदगी में ना तो हंसना मुश्किल काम है ना ही रोना मुश्किल काम है, लेकिन अपने आप को रुला कर दूसरों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। और हमारे बॉलीवुड के जो दिग्गज यानी कि शोले फिल्म से लेकर जाने कितनी अनगिनत फिल्मों के साथ साथ आज हमारे बीच में, और जैसे कि कैमरा बाज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं संजय वर्मा, सबसे पहले मैं आपको थैंक करना चाहूँगी कि आपने मेरे करण शो को बहुत प्यार दिया मीडिया ने,
उसका नाम है साइलेंट प्लीज और आजकल जो डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है और हर कलाकार को, नए कलाकार को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, तो कैमरा पास जो है वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है उन्होंने और बहुत सारे लोगों को एक नया मंच मिलेगा, उसी के लिए मैं कैमरा पास को बहुत ही थैंक करना चाहूँगी और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। मैंने तो बहुत सारी बातें बोली हैं और बोलते ही रहूँगा, लेकिन मेरे दो साथी कलाकार इस वक्त बहुत पिछड़ा फील कर रहे हैं और पिछले लोगों के साथ में अगर कुछ होता है तो मैं पता है मोर्चा निकल जाता है और वही मोर्चा दरवाजे के बाहर खड़ा है और कह रहे हैं जब तक ये नहीं बोलेंगे हम जाएंगे नहीं। तो अमोल सोनी के लिए जोरदार तालियां, बहुत अच्छा परफॉर्मर, बहुत अच्छा कलाकार और इन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा, क्या लगा आपको सुमित के बारे में, भाभी जी के बारे में, कैमरा पास के बारे में और पूरे टीम के बारे में और कितने एक्साइटेड हो बताओ। ये सबसे पहले तो मैं चाहूंगा हमारे लिए नहीं, कैमरा बॉयज और उनकी पूरी टीम के लिए तालियां होते हैं, कैमरा बॉयज और पूरी टीम सभी लोग। और हाँ, हमारी जो एंकर है सिमरन के लिए जरा तालियां हो जाए, सीरियसली, बिकॉज आप लगातार बोलती जा रही है, कंटिन्यू बोलती जा रही है। मैं सोच रहा था कौन है जावेद साहब आपके पीछे जो स्क्रिप्ट दिए जा रहे हैं आपको, मतलब कैसे इतना, बहुत दिल से भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो परफॉर्मेंस के दिन जब सर का मुझे कॉल आया कि भाई आपको भी परफॉर्म करना है, मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था मैं किन लोगों के साथ काम करने वाला हूँ, लेकिन शूटिंग करने के बाद मैंने घर जाके बताया और अब मुझे अंदाज़ा लग गया है कि मैं बहुत ही बढ़िया टीम के साथ काम करके आया हूँ और आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। और इनके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तभी हम आगे भी काम कर पाएंगे। तो प्लीज़ सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग मिलकर, और मेरे साथ में यहाँ पे केटी जी है जिन्हें आपने लाफ इंडिया लाफ जैसे बड़े शो में देखा होगा, इंडिया की तरफ से विनर थे हमारे, तो मैं चाहूंगा उनके लिए भी तालियां बजाएं जोरदार प्लीज। नमस्कार, जैसे कॉमेडी कैमरा बास के टीम के लिए अमोल ने बोला कि पहले सबसे पहले उनके लिए तालियां होनी चाहिए, उनके लिए तो तालियां बजी। अभी मैं चाहूंगा एक बार हमारे मीडिया वाले जितने भाई हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, कि इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि भाई ये जितनी भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसकी सबसे मेन शोभा यही होती है। तो मैं सुमित जी का थैंक्स बोलता हूँ, सबसे पहले तो मैं दादा का थैंक्स बोलूँगा क्योंकि सुमित जी को तो हम बाद में पहचानते हैं कि दादा ने हमको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। मैं एक बार चाहूँगा कि सुनील दादा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कलाकार तो ऐसे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत लोग हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म देने वाले इनके जैसे और सुमित भाई जैसे बहुत कम लोग हैं। और मैं चाहूँगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है कैमरा बास, इसमें बहुत से लोगों को चांस मिलने वाला है, जैसे पोइट्री बोलने वाले, मतलब पोइट हो गए, फिर स्टैंड अप कॉमेडियन हो गए, मिमिक्री आर्टिस्ट हो गए, सबको चांस मिलेगा। बस मैं चाहूँगा कि जैसे अमोल भाई ने बोला कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हाँ जी, मैं आपको बता दूं, बहुत ही बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट है, वॉइस डब करते हैं। विजय राज जी ने जब इनका वॉइस सैंपल सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्होंने कहीं डब किया, इतना बड़े लेवल पे ओरिजिनली विजय राज को प्रेजेंट करते। एक बार तालियां हो जाए विजय राज जी के लिए और इनके लिए थोड़ा सा बेस। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और कहने की बात यह है कि भैया कलाकार तो बहुत है यार, हिंदुस्तान में सारे प्लेटफॉर्म देने वाले कोई नहीं। तो मैं चाहूंगा कि नहीं, हम कमाल हैं, ये कमाल धमाल माला माल है। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि सुमेध भाई और भाभी जी ने जिस तरह मेहनत की है कैमरा बास के लिए, उसी तरह आगे भी मेहनत करते रहिए, कलाकार आते रहेंगे और कैमरा पास को और जबरदस्त बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं बता
बता दूं कि मैं एक स्टैंड अप कॉमिक तो हूं ही सर, उससे जो हां ये जरूर स्टैंड अप कॉमिक तो हूं ही सर, दोबारा सर रिटर्न सर, मैं आपको बता दूं मेरा नाम अमोल सोनी, मैं स्टैंड अप कॉमिक तो हूं ही लेकिन लाइव स्टेज पे परफॉर्म करते करते कई अलग अलग चैनल परफॉर्म करने के बावजूद भी ये हमेशा महसूस हुआ कि यार वो इत्मीनान से परफॉर्म करने को नहीं मिलता, क्योंकि हर जगह सेंसर होता है, 10 तरह के कारण होते हैं, 10 राइटर बिठा देते हैं टीवी में, ऐसा करो वैसा करो, बट कैमराबाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हमें पूरी आज़ादी मिली हमारे जोक्स क्रैक करने के लिए, एक अच्छी ऑडियंस मिली, एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमें मिला कि जहाँ पे हमको ये महसूस हुआ कि नहीं यहाँ पर कलाकार जिंदा दिल से परफॉर्म कर सकता है बिना किसी डर के। आप बिलीव नहीं करेंगे, स्टैंड अप का इतना सूखा था मेरे जीवन में कि मैं क्राइम पेट्रोल करने लग गया था। आप मतलब मेरा जोक भी एक कहले कुछ भी कहले, क्राइम पेट्रोल ने इतना क्राइम किया है कि मेरा आंकड़ा आप गाजियाबाद से ज़्यादा हो चुका है, वो वाली हालत है जो हंसा हुआ गाजियाबाद का ही था। लेकिन खैर मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लग रहा है कि कैमरा बाज का लॉन्चिंग हुआ इतने बड़े लेवल पर हुआ है, और सच में मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मैं आपको बता शूटिंग के पहले दिन जरा भी नहीं पता था मुझे कि इतना बेहतरीन तरीके से शूट होगा और इतना बेहतरीन तरीके से लॉन्चिंग होगा, मैं खुद गदगद हो गया। थैंक यू सो मच कैमरा बाज। हाँ हाँ ये अंदर मत घुसो यार, पवन भाई बाहर आओ। बस सर मैं यही कहूँगा कि जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन इस वो आ जाए कैमरा पास के प्लेटफॉर्म पर अपना कला दिखाइए, और क्योंकि बहुत से ऐसे अभी यूट्यूब पे ऐसे चैनल बने हुए हैं जो कॉमेडियंस को सिंगर्स को चांस देते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे लॉन्चिंग और इतनी अच्छी तरह से मीडिया लगे हुए हैं, पहले दिन शूट किया हमारे ही लोग इतना चिल्लाएंगे तो फिर कैसे होगा, एक म्यूजिशियन सिंगर जो ग्रुप टीम वाले सारे मिले प्लीज। बहुत ही मशहूर शेर है, देखो जरा लोगो रहना जरा संभाल के, बेचने वाले बेच देते हवा में उबाल में क्या। तो आज हम जो देखते हैं सब कुछ टेलीप्रॉम्प्टर का कमाल, ऐसे में जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जहाँ पर यू नो दैट देयर इज जेन्युइन टैलेंट लाइक आई थिंक वी हैव वर्क विद मेनी शोज टुगेदर, दिस मैन इज अ लेजेंड, ही गोज ऑन स्टेज ही इज अनस्टॉपेबल, माइकल यानी करते हैं तो इस तरीके का टैलेंट ही करता है, आप हमारे टेलीप्रॉम्प्टर कोई माइक जेनुइनली तो माइक निकाल के लिया निकलना पड़ा, चल चल निकल गया हो गया बहुत। और कॉमेडी में आप चाहे कोई भी में बोल लीजिए जब तक वो स्पॉन्टेनियस नहीं हो मजा नहीं, वो पिछले वक्त। सो यस आई हैव टू से दैट कैमरा बाज इज अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म एंड आई रियली होप ऐसे प्लेटफॉर्म्स ज्यादा आए जहां पर नेचुरल टैलेंट उभर कर आए, सब कुछ जो है बहुत। गाइस प्लीज प्लीज आउट टीजर्स। थैंक यू सो मच।